गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रिन मैम। हम क्लास सिक्स में चैप्टर सिक्स कर रहे हैं, दोहा सप्ताह, जिसको कल हमने पढ़ा था, जिसमें दोहों के बारे में पढ़ा था। अलग अलग कवियों के दोहे थे जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त हुई थी। आज हम करते हैं उसके प्रश्न उत्तर। तो बेटा, प्रश्न उत्तर में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार बुरे दिनों के बाद कौन से दिन आते हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे, कवि के अनुसार बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं। आपको पूरा उत्तर लिखना है कि कवि के अनुसार बुरे दिनों के बाद जो कौन से हैं, उसकी जगह लिखेंगे अच्छे दिन आते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रेम का धागा जब एक बार टूट जाता है तो उसमें दोबारा जोड़ने पर क्या होता है? तो उत्तर आएगा कि प्रेम का धागा जब टूट जाता है तो उसमें दोबारा जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। तो प्रेम का धागा जब टूट जाता है तो उसमें उसे दोबारा जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है, और जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। नेक्स्ट है, कल के काम को कब करना चाहिए? तो कल के काम को आज करना चाहिए। कब की जगह उत्तर लिखेंगे हम आज। तो कल के काम को आज करना चाहिए। कौन सी चार चीजें स्वर्ग के समान होती हैं? कौन सी चार चीजें हैं जिनको स्वर्ग के समान बताया गया है? तो पुराना पान, ताजा घी, चरित्रवती या कुलवती स्त्री तथा घोड़े की सवारी, ये चार चीजों को स्वर्ग के समान बताया गया है। कौन कौन सी? पुराना पान, नया घी, चरित्रवती स्त्री तथा घोड़े की सवारी, इन चारों चीजों को स्वर्ग के समान बताया गया है। आगे हमारा सही विकल्प के प्रश्न उत्तर में, सागर में से मोती वही निकाल सकता है जो सागर में से मोती वही निकाल पाता है जो किनारा बैठे रहे, डुबकी लगाए, या दोनों में से कोई नहीं। तो कौन निकाल पाएगा? जो उसमें डुबकी लगाएगा। तो जो डुबकी लगाए। फिर है, किसी काम को हाथ में लेने से पूर्व किस बात पर विचार करना चाहिए? तो किसी काम को हाथ में लेने से पूर्व अपने सामर्थ्य पर विचार करना चाहिए। अपने सामर्थ्य से मतलब है कि हमें ये विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कौन सी वस्तु ताजा ताजा ही प्रयोग में लाना उचित है? कौन सी वस्तु है जिसको ताजा ताजा प्रयोग में लाया जाता है? तो ताजा घी किसको लाया जाता है? ताजा ताजा घी को। तो उत्तर आएगा घी। आज का काम कल पर छोड़ने का क्या परिणाम होता है? आज का काम कल पर छोड़ने से हानि होती है। क्या होता है? हानि होती है। आगे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। तो एक या दो शब्द में उत्तर बताने, बुरे दिन आने पर क्या करने में भलाई होती है? कि जब बुरे दिन आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो जो हमने दुआ पढ़ा था कि रही मन चुप हो बैठिए देख बिना उनका फेर, तो हमें क्या हो जाना चाहिए? चुप होना चाहिए। तो उत्तर आएगा, बुरे दिन आने पर चुप होकर बैठ जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, टूटे हुए धागे को जोड़े तो क्या पड़ जाती है? तो उत्तर आएगा, टूटे हुए धागे को जोड़े तो उसमें गांठ पड़ जाती है। क्या चीज मूर्ख को चतुर बना देती है? अभ्यास। तो अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। कौन सी वस्तुएं पुरानी होने पर स्वाद वाली हो जाती हैं? पान। तो पान है जो पुराना होने पर स्वाद वाला हो जाता है। तो बेटा, चारों प्रश्नों के उत्तर आप इधर देख लीजिए कि पहले का उत्तर आएगा कि बुरे दिन आने पर चुप होकर बैठ जाना चाहिए, दूसरा टूटे हुए धागे को जोड़े तो गांठ पड़ जाती है, और अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है, और जो पान है वो पुराना होने पर और भी ज्यादा स्वाद वाला हो जाता है। आगे है लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर कि बुरे दिन आने से चुपचाप बैठे रहना क्यों उचित है? कि जब बुरे दिन आते हैं तो चुपचाप बैठना क्यों उचित है? तो उत्तर आएगा, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब बात बनते देर नहीं लगती। कि जब अच्छे दिन आते हैं तो बात बनते देर नहीं लगती, इसलिए बुरे दिन में अच्छा काम भी गलत हो जाता है, और बुरे दिनों में अच्छा काम भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए क्या? बुरे दिन आने पर हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए। अगला है, कोई चीज प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न या अभ्यास करना पड़ता है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न या
अभ्यास करना पड़ता है। नेक्स्ट है, एक बार मित्रता टूट जाने पर पुनः क्यों स्थापित नहीं होती? क्योंकि एक बार मित्रता टूट जाने पर पुनः स्थापित करने से मित्रता में गांठ पड़ जाती, अर्थात क्या होता है, मनमुटाव आ जाता है कि क्योंकि एक बार जब मित्रता टूट जाती है और उसे जब हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मित्रता में गांठ पड़ जाती है। इसका मतलब, गांठ पड़ने से मतलब है कि मित्रों में मनमुटाव आ जाता है। अभ्यास करते करते मनुष्य क्या बन जाता है? अभ्यास करते करते मनुष्य चतुर बन जाता है। क्या बन जाता है? चतुर बन जाता है। अपनी सामर्थ्य से बाहर काम हाथ में लेने से क्या होता है? तो अपनी सामर्थ्य से बाहर काम हाथ में लेने से वह काम नहीं हो पाता और निराशा ही हाथ में लगती। क्या होता है कि उस काम को हम नहीं कर पाते और निराशा ही हमारे हाथ में लगती है या फिर हम दुख भोगते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रश्न इसके उत्तर हो गए। अब है आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ में है, निम्नलिखित धोओं के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ बताना है आपको, पान पुराना, घी नया और सुशीला नार, चौथी पीठ तुरंग की, चार स्वर्ग संसार। तो दोहे का भावार्थ है बेटा, किस दोहे का भाव है? पान पुराना, घी नया। तो कि पान जितना पुराना हो अच्छा होता है तथा घी जितना ज्यादा ताजा हो वो ही अच्छा होता है। चतुर स्त्री तथा घोड़े की सवारी, अगर ये चारों चीजें मिल जाए तो ये स्वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर कवि ने चार चीजों को स्वर्ग के समान बताया है। वो चीजें हैं पान पुराना, घी ताजा, घी, चतुर स्त्री और घोड़े की सवारी। ये चारों ही चीजें उन्होंने स्वर्ग के समान बताई हैं। नेक्स्ट है आपका दोहा, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन का फेर, नेकी दिन पुनी आएंगे, फिरत न लागे देर। तो यहाँ पर कवि का भाव है, रहीमदास जी दोहे में कहते हैं कि बुरे दिन आने पर हमें चुप बैठ जाना चाहिए, कि जब बुरे दिन आते हैं तो हमें ऐसे में चुप होकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो बात बनते देर नहीं लगती। तो यहाँ पर कवि का भाव है कि बुरे दिनों में अगर कुछ हम अच्छा काम भी करते हैं तो वो भी बेकार हो जाता है, इसलिए हमें बुरे दिन आने पर चुप बैठ जाना चाहिए और अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, उन दोहों को उद्धृत कीजिए जिनका आशय है, कि ऐसे दोहे लिखने हैं जिनका ये अर्थ दे रखा है आपको, उनके दोहे बताने। समय बहुमूल्य है, किसी भी काम को हमें आगे की ओर नहीं टालना चाहिए, काम उचित समय पर ही खत्म कर देना चाहिए। तो क्या है इसका? इसका आएगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी, भोरी करेगा कब। तो आपको अर्थ दे रखा था, आपको उसका दोहा बताना था। नेक्स्ट है आपका, अपनी सामर्थ्य के अनुकूल कार्य करना चाहिए, अपनी क्षमता से अधिक काम करने वालों को दुख भोगते हैं। तो क्या है इसका भावार्थ हो गया, अपनी पहुंच विचार के, कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए, जेती लांबी ठोर। तो बेटा ये आपके जो 6 चैप्टर हुए हैं उसके सभी प्रश्न उत्तर आपके मैंने करवा दिए हैं दोबारा से। तो अगर आपके प्रश्न उत्तर रह गए हों तो आप ये सभी प्रश्न उत्तर दोबारा से नोट कर लें। थैंक यू। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन अवर यूट्यूब चैनल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, इन अवर प्रीवियस वीडियो वी स्टार्ट अवर SA1 प्रिपरेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। So students, in previous video we study about in this chapter some exercise and short question answer of this chapter. We revise these exercise and long short question answer. So students, in today's video we revise a long question answer of this chapter, and also we know or extra revise some main definition which are present or included in this chapter. Living and non-living things like respiration, excretion, reproduction, growth and lifespan, all these definition we learn in this video, and also our long answer type question. So students, let's start our today's video on long answer type questions revision and also some definition. In long answer type question, question number first is, what is respiration? Why do living organism respire? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ पे, वो कैसे रिस्पायर करते हैं? सो आंसर इज, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड इट्स ऑक्सीडेशन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और उसका ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का हमारे फूड से मिलकर ऑक्सीजन टूटना होता है,
और एनर्जी रिलीज करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ईजी है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होगी स्टूडेंट्स, कोई भी C6H12O6 जो कि आपका क्या है, फूड, ठीक है, वो हमारे ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है, जो हम कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं, साउंड से लेते हैं, थ्रू नोज। अब ये जो ऑक्सीजन है आपके फूड के साथ मिलकर क्या है, ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसका ये CO2 में, वाटर में और एनर्जी में, इन तीनों में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, ठीक है। तो जो आपका इस रेस्पिरेशन यही प्रोसेस है, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टेक करना मतलब लेना, एंड इट्स ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन होना ताकि वो क्या रिलीज कर पा रहा है, एनर्जी रिलीज कर पा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन। CO2 आपको पता है, CO2 आपकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है, वाटर है, आपकी बॉडी वाटर कंज्यूम कर लेती है, आपकी बॉडी जिस वाटर रिक्वायरमेंट, और एनर्जी भी कंज्यूम हो जाती है, कैसे, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी सारे फंक्शन को करने के लिए, जैसे वर्किंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और अब है फाइव टू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर क्यों करते हैं, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं किससे, फूड से। मैंने बताया ना रिएक्शन में कि जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, फूड से ऑब्टेन होती है, ठीक है, इसलिए हम रिस्पायर करते हैं ताकि हम उस एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्सप्लेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए इन लिविंग थिंग्स में, जो जितने भी लिविंग थिंग्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सो आंसर इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स दैट मेक देम सिमिलर टू वन अनदर। अब देखिए जितने भी सेल्स होते हैं उनमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आई ऑलरेडी टेल यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है वो क्या होता है, हर सेल आपस में क्या है, एक जैसा होता है, ठीक है, सिमिलर होते हैं। तो अभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है, एक किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर बनाना, बेसिक स्ट्रक्चर बनाना जो क्या है, एक दूसरे से सिमिलर होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के बॉडी को जो हमारे जो फेस स्ट्रक्चर है वही डिफरेंट है, लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें सारे पार्ट्स हैं, ये आपके हेड टू टो तक, ठीक है, सो इसलिए हर चीज़ एक दूसरे से सिमिलर हो रही है सेल की वजह से। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे लिविंग थिंग्स को फॉर्म करता है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म क्या करता है, जो सेल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर मेड अप टिश्यू, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। ऑर्गन क्या करता है, अब ऑर्गन आपकी बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेता है, ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में, ऑर्गन्स क्या होते हैं, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सब क्या आपके ऑर्गन आते हैं। अब ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम या फिर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम या फिर ह्यूमन बॉडी, कोई भी ह्यूमन या एनिमल्स को जो भी है आप बोल सकते हैं। तो ये एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी चीज़ का। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, What is meant by excretion? Name the various product excreted by trees and animals. अब क्या कह रहा है कि excretion से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या process excretion की, define करना है excretion को, और अलग अलग products, trees and animals है, जो trees है, animals है, वो अलग अलग excreted product remove करते हैं, उनका आपको नाम बताना, मतलब tree क्या remove करता है, animals क्या excreted remove करते हैं, ये सब। तो first हम देखेंगे definition। द प्रोसेस बाई विच द वेस्ट मटीरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। अब क्या कह रहे हैं, कोई भी वेस्ट मटीरियल जो हमारे शरीर से, किसी भी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर गिर रहा है, बाहर गिरा जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सक्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स की जो वेस्ट मटीरियल होता है अगर वो हमारी बॉडी में एक्सक्रीट आउट नहीं होता है तो बॉडी में क्या पॉइजन बनाना स्टार्ट कर देता है, इसलिए एक्सक्रेशन काफ़ी ज़रूरी है। और प्रोसेस एक्सक्रीशन की, द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, वो प्रतिक्रिया जिसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल जो मटेरियल हमें ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी को, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो शरीर से बाहर फेंका जा रहा है, थ्रोन आउट किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीशन कह रहे हैं। तो जो प्लांट और एनिमल्स है वो वेरियस प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, लाइक प्लांट एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स आर गम, लेटेक्स एंड रेजिन, आल्सो नोन एज रबर।
अब आजो रबर आपके कह रहे जो प्लांट्स है काफ़ी सारे प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है बाहर, रिमूव आउट करता है, जैसे कि गम, लेटेक्स, रेजिन और रबर भी, ठीक है। ये तो ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल करते हैं, गम का, लेटेक्स का, रेजिन का, काफ़ी चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या यूज़फुल प्रोडक्ट भी हैं हमारे लिए। एनिमल एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट आर यू, मुझे आई मीन एनिमल्स से एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है, यूरिन, यूरिया एंड अदर थिंग्स, ये सब एनिमल्स के एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है जो एनिमल्स रिमूव आउट करता है अपनी बॉडी से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, क्या है, क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इज़ प्रेजेंट, आंसर इज प्रेजेंट इन योर बुक्स, पेज नंबर 78। सो लिविंग थिंग्स फर्स्ट, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स लैक सेल एंड आर मेड अप ऑफ मोलिक्यूल्स, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें सेल्स की कमी होती है, वो सेल्स से मिलकर बने नहीं होते, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, मोलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉन लिविंग थिंग्स में चेयर, बेड, डोर, ये सब क्या है, मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, मटीरियल मोलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, आयरन, कॉपर, इन सबसे जो चीज़ मिलकर बनी होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन सेल से जो चीज़ मिलकर बनी होती है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। सेकेंड, दे प्रिपेयर और कंज्यूम फूड, जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं खुद और खाते भी हैं, कंज्यूम करते हैं, प्रिपेयर बनाते हैं, कंज्यूम खाते भी हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट प्रोड्यूस और टेक फूड, ये ना तो खाना बनाते हैं और ना ही खाते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, जो लिविंग थिंग है रिस्पायर कर तभी तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पायर नहीं करते, मोलिक्यूल है आपका आयरन को जितने भी मोलिक्यूल्स हैं वो क्या कोई भी रिस्पायर नहीं करता है, लेकिन लिविंग थिंग्स करते हैं। फोर्थ इज दे गिव आउट वेस्टेज, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, अब मैंने बताया वेस्ट को रिमूव करते हैं मतलब एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग दे डू नॉट एक्सक्रीट, तो नॉन लिविंग थिंग है वो एक्सक्रीट नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, अब लिविंग थिंग्स से ग्रो बढ़ते हैं, ग्रो मतलब बढ़ते हैं, जैसे आप बेबी है कोई भी प्लांट की सीड आप उसको उसमें खाद मैन्यूर डालते हैं, वाटर डालते हैं, न्यूट्रिशन डालते हैं, तो क्या होता है वो बड़ा ट्री बनता है, तो क्या वो बढ़ रहा है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग इन देयर केस ग्रोथ इज़ बाय द एडिशन ऑफ एक्सटर्नल मटीरियल सिमिलर टू दैट ऑफ विच दे कंसिस्ट ऑफ। अब क्या कह रहा है, नॉन लिविंग थिंग इस केस में क्या हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है अगर हम बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा मोलिक्यूल ऐड करते हैं उस चीज़ के अंदर, तभी उसकी क्या है ग्रोथ बढ़ हो रही है, उसका क्या है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मान लीजिए आपने एक डोर बनाया है, अब वो डोर आपके उसमें छोटा लग गया, तो अब उसमें दोबारा से अगर वुड ऐड करते हैं तो वो थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, तो ऐसे अगर हम दूसरी चीज़ बाहर से कोई मटेरियल ऐड करते हैं तो उसका साइज़ है वो डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट सिक्स है, दे शो मूवमेंट, जो लिविंग थिंग्स है वो क्या शो करता है, मूवमेंट शो करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दे मूव ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम, ये तभी मूव करते हैं जब बाहर से कोई फोर्स उस पर लगाया जाता है। अब देखिए जैसे प्लांट है, प्लांट मूवमेंट शो करता है, कैसे प्लांट एक जगह खड़ा रहता है लेकिन उसके लीव्स, स्टेम वो तो मूव करते हिलते रहते हैं, लेकिन प्लांट की जो जड़ है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, वो वहीं पे वही जड़ी रहेगी, वहाँ से फैलती रहती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में लेकिन आप जैसे कोई बाहर से किसी चीज़ को कुछ धक्का देते हैं तो ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है। क्वेश्चन नंबर 7, दे रिप्रोड्यूस, जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करते हुए आगे जनरेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। बेसिक चीज़ जब वो कोई रिस्पायर नहीं करते, एक्सक्रीट नहीं करते, उनमें कोई लिविंग थिंग्स ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज, हाउ डू प्लांट्स एग्जिबिट मूवमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब जितने भी प्लांट है वो मूवमेंट और स्टिमुलाई कैसे एग्जिबिट करते हैं, क्या प्रोसेस होती है उनकी। सो आंसर स्टूडेंट्स, प्लांट बैंड और टर्न टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई सच इज फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या प्रोसेस होते हैं, फोटोट्रोपिज्म इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, और जियोट्रोपिज्म वो प्रोसेस होती है जिसमें जियो का मतलब अर्थ, तो जो प्लांट्स की जो
रूट है, प्लांट का स्ट्रक्चर है, वो जीव अर्थ की तरफ मूव करने लगता है तो यही क्या स्टूमुलाय रिस्पॉन्स कहता है। तो प्लांट्स बैंड झुकता है या टर्न मुड़ता है टुवार्ड और अवे फ्रॉम स्टूमुलाय, स्टूमुलाय की तरफ या उससे दूर, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। ठीक है, ये तो रिस्पॉन्स टू स्टूमुलाय हो गया। प्लांट्स फिक्स एट वन प्लेस बट शो मूवमेंट लाइक ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब प्लांट एक ही जगह पे फिक्स होता है, लेकिन मूवमेंट शो करता है, जैसे कि फूल का खिलना, स्टोमेटा का बंद होना और ओपन होना। एक फूल का खिलना क्या होता है, जैसे ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, रोज़ का फ्लावर है वो खिलता है, स्टोमेटा जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ओपन और क्लोज होते हैं ताकि जो एक्सचेंज है गैसेस का वो हो सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस, दिस इज फॉर क्लास 6। इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर 5th चैप्टर द वैदिक एज एंड टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 6th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द एज ऑफ एम्पायर्स एंड असेंबलीज, कि साम्राज्य और जो समुदाय थे उनकी एज। आवर फोकसिंग पॉइंट आर जनपदास एंड महाजनपदास। नाउ लेट वी कंटिन्यू आवर क्लास। एज वी रीड इन अर्लियर चैप्टर, पीपल इन द वैदिक एज वर ऑर्गेनाइज इन टू ट्राइब्स कॉल्ड जाना, कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले चैप्टर में किस में, इन द वैदिक एज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो ट्राइब, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई थी ट्राइब्स, जिसको जना कहते थे। द आर्यंस रोम्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पश्चर, कि और जो आर्यंस थे वो घूमते रहते थे जगह जगह पे चारागाह की तलाश में। दिस वॉज इन द अर्ली वैदिक एज, कि ये किस में होता था, अर्ली वैदिक एज में होता था। By the later Vedic age, they had started to practice agriculture and had largely settled down. और later Vedic age में इन्होंने एक जगह पर रह के कृषि करना स्टार्ट कर दिया और ये एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे। These settlements are known as Janpadas, और इन settlements को जनपदा कहते हैं। The formation of Janpada was facilitated by the extensive use of iron, कि जो फॉर्मेशन है जनपदा की वो फैसिलिटेटेड है, मतलब उस टाइम में आयरन का यूज़ होता था। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार फ्रॉम 500 BCE ऑनवर्ड्स, की पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में 500 BCE पूर्व। द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स मेड इजी फॉर द पीपल टू क्लियर फॉरेस्ट एंड ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, कि जो यूज़ ऑफ आयरन टूल्स था, और मतलब कि जो यूज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, कि इनका प्रयोग करना इन्होंने ईजी कर दिया था लोगों के, कि वो जंगलों को साफ कर सकें और ज़्यादा लैंड अपनी कल्टिवेशन के लिए ले सकें। विद बेटर एंड मोर इफिशियंट टूल्स लाइक द आयरन प्लग शेयर एंड होज, दे बिगेन प्रोड्यूसिंग सरप्लस क्रॉप्स, कि विद बेटर मोर एफिशियंट टूल्स, कि अच्छे टूल्स जब वो यूज़ करने लगे, जैसे कि हल और होज, जो खुरपी वगैरह होती है, तो इससे वो सरप्लस क्रॉप्स, मतलब कि और भी ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स को वो उगाने लगी। दस ट्रेड फ्लोरिस्ट एंड देयर वॉज डेवलप्ड ऑफ टाउन एंड सिटीज़, और अब जो ट्रेड है, व्यापार है, वो समृद्ध होने लगा, और इसी से डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज़, कि गाँव और कस्बों का, शहरों और कस्बों का विकास हुआ। द पीपल ऑल्सो शिफ्टेड देयर लॉयल्टीज फ्रॉम देयर ट्राइब्स और जना टू द टेरिटरी और जनपदास दैट दे बिलोंग टू, और अब लोग भी शिफ्ट होने लगे, जैसे कि वो ट्राइब्स या जना में रहते थे, अब वो प्रदेश और जनपदास से रहने लगे जिनसे वो बिलोंग करते थे। एक जनपदा हैड ए किंग एंड देयर वर मैनी वेज बाई विच ए पर्सन कुड, कि प्रत्येक जनपद का एक राजा होता था और बहुत सारे रास्ते होते थे, विच ए पर्सन कुड बिकम द किंग, कि बहुत सारे रास्ते होते थे कि कोई भी व्यक्ति मतलब राजा बन सकता था। समटाइम्स ए किंग वॉज इलेक्टेड, कि कुछ कई बार क्या होता था, राजा को चुना जाता था। एट अदर टाइम्स ए पर्सन बिकेम किंग बाई डिफीटिंग द अर्लियर किंग एंड ऑल्सो विक्टोरियस वॉरियर्स ऑल्सो बिकेम किंग एट टाइम्स, कि या फिर क्या होता था कि जो कोई व्यक्ति होता था वो पुराने किंग को हरा के, पुराने राजा को हरा के भी राजा बन जाता था। ठीक है,
These Rajas sometime performed yagnas such as the Rajasuya Yagna or Ashwamedha Yagna to establish their authority and to acquire large territory. और कभी कभी क्या करते थे कि ये जो राजा होते थे वो यज्ञ परफॉर्म करते थे, यज्ञ का करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ है या अश्वमेघ यज्ञ है, अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए. फॉर द हैड ऑफ ए जना टू बिकेम द राजा ऑफ द जनपदा ही हैड टू परफॉर्म सर्टेन यज्ञनाज. और जो हैड होता था जन का, बिकेम द राजा ऑफ द जनपदा, कि वो जब राजा बनता था जनपदा का तो वो परफॉर्म करता था एक यज्ञ. सम ऑफ दीज जनपदा समटाइम्स बिकेम लार्जर और एंड मोर पावरफुल देन द अदर्स. और कुछ टाइम पे ये जनपद ज़्यादा बड़े हो जाते थे और मोर पावरफुल हो जाते थे दूसरों से. दीज जनपदाज वर द महाजनपदाज. और फिर इन जनपदा को क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे. Sometimes they fought wars against each other for gather territory and glory. और कुछ टाइम पे ये लड़ाइयाँ लड़ते थे एक दूसरे के खिलाफ अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और अपनी जो ग्लोरी है मतलब अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने सम्मान के लिए. These janpadas and mahajanpadas were sometimes republic or gana sanghas. कि कुछ टाइम पे ये जनपद और जो महाजनपद थे वो रिपब्लिक होते थे एंड वर रूल्ड बाय इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स. और ये जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते थे उनके द्वारा चलाए जाते थे. मोस्ट ऑफ देम हाउएवर हैड हेरिडेटरी रूलर्स. और कुछ में वंशानुक्रम से जो शासक होते थे. अब है द महाजनपदास. फ्रॉम द बुद्धिस्ट जैन एंड वैदिक लिटरेचर. कि बुद्धिस्ट जैन और वैदिक लिटरेचर से वी गेट टू नो दैट देयर वर 16 महाजनपद द 6th सेंचुरी BCE. कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या था? 16 महाजनपद थे. कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे. देवर मगधा, अवंती, कोसला, वत्सा, वाजी, पंचाला, मत्सया, सूरसेना, अस्माका, कंबोजा एंड गंधारा. कि ये 16 महाजनपद थे सिक्स्थ BCE में. ठीक है, तो आपको इनके नेम याद रखने हैं. अमंग द 16 मगधा, कोशला, वत्सा एंड अवंती वर द मोस्ट पावरफुल. कि इन 16 में से मगध, कोसला, वत्सा और अवंती ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे. These महाजनपद्स invade and took control over the small जनपदास. और ये महाजनपद जो दूसरे छोटे जनपद थे उनके ऊपर कंट्रोल करते थे. Eventually मगधा emerged as the strongest महाजनपदा. और जो मगध था वो बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बना. अब है मगधा. The present day Bihar was what constituted मगधा. कि जो आज के टाइम में बिहार है वो मगध के रूप में था उस टाइम पे. बिम्बिसारा फ्रॉम द हरणाक्या डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मगधा. कि बिम्बिसार जो हरणाक्या डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वंश से बिलोंग करता था, वो इस टाइम का बहुत ही मतलब वो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर था मगध का. ही वॉज द सन ऑफ भाटिया. कि वो भाटिया का बेटा था. His annexation of the kingdom of Angatao, the East, laid the foundation for the later expansion of the Mayura Empire later on. कि उसका जो विस्तार था अपने राज्य का, kingdom of Angatao, the East, कि ईस्ट के अंदर उसने अंगताओ का जो राज्य था उसको ले लिया था. laid the foundation for the later expansion of Mayura Empire later on. ठीक है, कि Mayura Empire की expansion जो बाद में हुआ. He used the policy of maternal alliances to expand his kingdom. कि उसने वैवाहिक जो संबंध बना के अपने राज्य के विस्तार के लिए policies अपनाई. A tradition which was not yet seen in any dynasty. कि किसी भी वंश में ऐसा नहीं था कि वैवाहिक संबंधों से अपने राज्य का विस्तार किया जाए. He also used a policy of sending envoys to strengthen the bilateral relationship. और इन्होंने एक पॉलिसी और अपनाई थी कि अपने राजदूत भेजते थे ये दूसरे राज्यों में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए. बिम्बिसारा हैड
फोर वाइव्स कि बिम्बिसार के चार पत्नियां थी, दे वर ऑल मैरिड टू हिम बिकॉज ऑफ हिज एनेक्सेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव किंगडम, कि उन चारों ने शादी क्यों की थी, क्योंकि इन्होंने उनके राज्य पे अपना अधिकार कर लिया था. द फोर क्वीन ऑफ बिम्बिसारा वर कोशला देवी, चालेना, केमा एंड वैदही. दिस प्रूव्स दैट बिम्बिसारा यूज्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू एक्सपेंड हिज किंगडम, कि उसने ये प्रूव करता है कि बिम्बिसार ने मैट्रिमोनियल जो पद्धतियाँ थी वो अपनाई अपने राज्य के विस्तार के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कोशला देवी ब्रॉट काशी अंडर हिज रूल, कि कोशला देवी जो थी उन्होंने काशी, उसके उनके द्वारा काशी इनके अंडर में आ गया था. बिम्बिसारा वॉज ग्रेट इन मिलिट्री स्किल्स एज वेल, कि बिम्बिसार बहुत ही महान था मिलिट्री स्किल्स में भी. ही डिफीटेड ब्रह्मदत्ता ऑफ अंगा एंड अनेक्स्ट अंगा इन मगधा, कि उसने ब्रह्मदत्ता को हराया जो अंग का राजा था, और अंग को अपने राज्य में मिला लिया. फर्दर टेरिटरीज वर ऑल्सो अनेक्स्ट टू मगधा बाई बिम्बिसारा, और ऐसे ही बहुत सारी जो टेरिटरीज थी, प्रदेश थे, वो बिम्बिसार के द्वारा जीत के मगध में मिलाए गए. बिम्बिसारा'स लाइफ एंडेड इन ट्रेजिडी, कि बिम्बिसार की लाइफ एक ट्रेजिडी में ख़त्म हो गई. ही वॉज इम्पर्सनेट बाई हिज सन अजातशत्रु हु स्ट्रेव्ड हिम टू डेथ, कि जो इनका बेटा था अजातशत्रु, उसने इनको बंदी बना लिया था और मृत्यु दंड दिया था. बिम्बिसारा वॉज ए वेरी एफिशियंट पॉलिटिशियन हु हैड ए क्लियर विजन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, कि बिम्बिसार एक बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिक भी था, और उसका एक बहुत ही क्लियर दृष्टिकोण था, एक बहुत ही साफ दृष्टिकोण था राजनीतिक सिचुएशंस के ऊपर, राजनीतिक स्थितियों के ऊपर. ही वॉज नॉन एज शेरिनिक एज पर द जैन टेक्स्ट, विच मीन्स दैट ही हैड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, कि उन वो जानते थे श्रेनिक्स कि उनके जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, और वो श्रेनिक्स के रूप में जाने जाते थे जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब होता था जिनके पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी होती थी. आफ्टर बिकेमिंग ए किंग एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, ही नॉट ओनली एक्सपेंड द एम्पायर बट ऑल्सो पैटर्नाइज बोथ द राइजिंग रिलीजियंस एट दैट टाइम, कि जब वो 15 साल के थे, जब वो राजा किंग एट द एज ऑफ 15 ईयर, कि जब वो राजा बने थे 15 साल के, तो वो सिर्फ अपने राज्य का विस्तार ही नहीं करते थे, बल्कि वो सम्मान करते थे जो भी रिलीजन उनके टाइम में आया. हिज सक्सेस वॉज ऑल्सो ड्यू टू द एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि उनकी सफलता उनके प्रभावशाली प्रशासन के कारण, मशीनरी इन विच द राजभट और महाभट रॉयल ऑफिशियल्स वर डिवाइडेड इन टू मैनी क्लासेज, कि इनका जो एक एफिशियंट प्रशासन था, एक प्रभावशाली प्रशासन था, उसको इनके राज्य के अंदर जो इनके दो कवि थे राजभट और महाभट, जो इनके रॉयल ऑफिसर्स थे, शाही ऑफिसर थे इनके दरबार में, उन्होंने बहुत सारी क्लासों में डिवाइड किया हुआ था. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. वी रीड द रिमेनिंग टॉपिक्स इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट. In our 6th mathematics class, chapter 14 is going on. So today class, we will start exercise 14.2, question number 1. So let's start. Now exercise 14.2, first question, write the alphabets which are identical to their mirror image. हमें वो alphabets write करने जो identical हो अपने mirror image से. तो सबसे पहले हम समझते हैं mirror image होता क्या है. Mirror image देखो क्या होता है. लेफ्ट एंड राइट साइड चेंज वाइस वर्सा, देयर टॉप एंड बॉटम रिमेन चेंज. मींस कि जो लेफ्ट में दिखेगा वो हमें, जो लेफ्ट साइड में होगा मिरर में हमें वो राइट में नजर आएगा, और जो राइट साइड में होगा वो हमें मिरर में लेफ्ट साइड में नजर आएगा. बस टॉप और जो बॉटम है वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे. तो देखो अब हमें कुछ ऐसे अल्फाबेट्स बताने जो अनचेंज होते हैं. मिरर इमेज में अगर देखें तो वो हमें एज इट इज नजर आते हैं, हमें वो दिखाने हैं. तो देखो हम पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मिरर इमेज के लिए. सपोज करो मैं एक लेटर लेती हूँ ए. ए लेटर लिया है. सपोज करो मैं इसको मिरर में देख रही हूँ. मिरर में देखूंगी तो मुझे ए ऐसा ही नजर आएगा. आप लोग अपने घर पे मिरर में ए लेटर लिख के अपनी नोटबुक में, और आप देखना कि वो किस तरह से नजर आता है. तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो हमें एज इट इज ही नजर आएगी.
ऐसे, ये हमें ऐसे ही नजर आएगी मिरर इमेज। अगर मैं कोई और लेटर ले लेती हूँ जिसकी चेंज होती है इमेज, सपोज मैं लेटर ले लेती हूँ पी, पी लेटर मेरा इस तरह से होता है, ये पी लेटर हो गया है, इसकी मुझे मिरर इमेज देखनी है। तो मिरर इमेज की डेफिनेशन कहती है कि जो लेफ्ट में है वो राइट में, और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, टॉप और बॉटम अनचेंज होगा। तो अब देखो ये बॉक्स हमारा राइट साइड में, ये लेफ्ट में नजर आएगा। अब हमें जब मिरर इमेज देखेंगे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा मिरर इमेज में, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में हमें शो करेगा और यह हमारा राइट में है, तो मिरर इमेज यही होती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है, राइट द अल्फाबेट्स विच आर आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेज, वो अल्फाबेट्स बताने जो आइडेंटिकल होते हैं मिरर इमेज में। तो हम उन लेटर्स को राइट करते हैं। देखो फर्स्ट हमने राइट कर लिया ए, ए अपनी मिरर इमेज में वो का वही है, सेम है हमारा। अब देखो दूसरा लेटर हम कोई और देखते हैं, बी नहीं नजर आएगा, बी को अगर करेंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद लेटर आता है हमारा एच, लेटर हमारा क्या आएगा एच, एच की भी मिरर इमेज लगाएंगे तो सेम हमें एच ही नजर आएगा। देन हम लेते हैं आई, आई मैंने लिया है तो आई की भी मिरर इमेज सेम होगी। उसके बाद हम सोचते हैं और आगे लेटर चलते हैं हम, तो उसके बाद देखो एम, अगर मैं एम को मिरर में देखूंगी तो मुझे एम एज इट इज ही नजर आएगा। फिर देखो ओ, ओ लेटर जो है ये भी हमें यही नजर आएगा, ओ कितना राउंड है ऐसा ही दिखेगा। लेटर टी, क्योंकि टॉप और बॉटम तो अनचेंज रहेंगे, टॉप टॉप की जगह पे दिखेगा और बॉटम बॉटम पे, बस साइड चेंज होगी लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में दिखेगा। तो टी का तो कुछ भी लेफ्ट राइट का नहीं है, एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद आता है लेटर यू, इसके बाद लेटर वी, ये भी हमें ऐसे दिखेगा। फिर हम लेटर देखते हैं डब्ल्यू, और लेटर हो जाएगा हमारा एक्स। मिरर इमेज में ही हमें आइडेंटिकल सेम नजर आने वाले लेटर्स है। देन हमारे पास लेटर हो जाएगा वाई, जेड तो नहीं दिखेगा। तो ये वो लेटर्स हैं हमारे जो हमें आइडेंटिकल दिखेंगे अपनी मिरर इमेज में। तो लेटर कौन है, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे इस तरह से है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको बुक में ही फिल करना है, उसमें आपको इमेज ही बनानी है उसकी, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द मिरर लाइन एंड ड्रॉ द इमेज। अब देखो आपको क्या बनानी, इमेज ड्रॉ करनी है इनकी, आपको मिरर लाइन ड्रॉ करना है और मिरर लाइन ड्रॉ करके इसकी इमेज बतानी है। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको अभी समझाया है कि जो मिरर इमेज होती है उसमें क्या होता है कि हमें जो लेफ्ट में है वो हमें राइट में नजर आएगा, और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में, टॉप और जो बॉटम है वो हमारा अनचेंज होता है। तो इसमें हमें अपनी मिरर लाइन बनानी है। देखो यहाँ पे हमारी मिरर लाइन होगी, मैं डॉटेड शो कर रही हूँ कि मिरर लाइन है। तो इसमें जो हमें पी है वो किस तरह से नजर आएगा, तो वो हमें उल्टा नजर आएगा, तो हम पी को इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो पी हमें ऐसे नजर आएगा। देन हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर दिया हुआ है इंग्लिश का अल्फाबेट है वो हमें दिया हुआ है, सेकेंड हमें के दिया हुआ है, सेकेंड है हमारे पास के, के लेटर आप ऐसे राइट करोगे, फिर उसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। इसकी मिरर इमेज हो जाएगी हमारी इस तरह से, ये हमारी मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। देन हमें लेटर दिया हुआ है, नेक्स्ट एक और लेटर मिला है हमें, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड लेटर है वो हमें दिया हुआ है एच, एच हमें इस तरह से दिया हुआ है। तो एच की मिरर इमेज बनाएंगे, एच की मिरर इमेज क्या होगी, वही सेम आएगी, ये तो आइडेंटिकल ही रहना है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है। तो इसकी मिरर इमेज आ जाएगी हमारे पास, सेम आ जाएगी हमारे पास एच। देन हमें दिया हुआ है फोर्थ, हमें दिया हुआ है एम, एम की मिरर इमेज क्या हो जाएगी हमारी, ये भी हमारा आइडेंटिकल होगा। इस तरह से हमारी मिरर इमेजेस आ जाएंगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 14.2 के हमने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट और थर्ड किया है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोग को बुक में ही फिल करना है अपना, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा चैप्टर सिमेट्री चल रहा है, 14.2 कंप्लीट हो गई, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स, ये हमें फिगर दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड हमारी इक्वल होती है, तो इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कैसे करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको शो करनी है लाइन ऑफ
सिमेट्री इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी हो गई है, थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री है, बिकॉज थ्री साइड्स आर इक्वल। इन केस अगर आपके पास आ जाए आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होता है हुज टू साइड्स आर इक्वल एंड वन साइड इज नॉट इक्वल। जैसे सपोज करो टू साइड्स इक्वल है, तो इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी सिंपल वन लाइन होगी, ये ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट जो हमें फिगर दिया हुआ वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो अब देखो लेंथ लेंथ के इक्वल है, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल है, इसमें क्या होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इसमें, ठीक है जी। हमारे पास टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी हमारे रेक्टेंगल में। दिस इज अवर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज अवर रेक्टेंगल हैविंग टू लाइन ऑफ सिमेट्री, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। सपोज हमारे पास आ जाता है स्क्वेयर, स्क्वेयर अगर हमारे पास हो तो कैसे बनाएंगे हम, स्क्वेयर में क्या होता है कि रेगुलर फिगर होता है स्क्वेयर हमारा, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, स्क्वेयर है जिसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो उसमें क्या होगा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो वन तो हमारी यही हो जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, एक हमारी ये हो जाएगी। अब इसकी चारों साइड इक्वल है तो हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि स्क्वेयर के अंदर कितनी हो जाएगी, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। स्क्वेयर के अंदर कितनी होगी हमारी, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और चारों क्यों है, क्योंकि ये क्या है, चारों साइड इसकी इक्वल है। जितनी रेगुलर फिगर होती है, रेगुलर फिगर में जितनी साइड होती है ना, उतनी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये रेगुलर फिगर है हमारा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी फोर हो गई है। तो आई होप आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना आ गया है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। इन सिक्स क्लास जीके प्रियंका मैम डिस्कस विद यू चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम इज एंडेंजर्ड एनिमल्स। स्टूडेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जो सेवंथ क्लास में चैप्टर रीड करवाया था एंडेंजर्ड एनिमल, उसमें भी डिस्कस किया था कि जो एंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जिनकी जो स्पाइसीज मीन्स जो इनकी प्रजाति कम होती जा रही है, जो दैट आर रैपिडली डिसअपीयरिंग फ्रॉम द अर्थ मीन्स धरती से खत्म होते जा रहे हैं ड्यू टू द हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस ऑफ हैबिटेट, मीन्स उनके आवास स्थान को खत्म कर दिया है या फिर उनका शिकार कर लिया गया है, तो इस वजह से उनकी प्रजाति कम होती जा रही है। हेयर फर्स्ट वन इज अराउंड 2 lakh kg इन वेट एंड अबाउट 31 meters इन लेंथ। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। स्टूडेंट इससे एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि लार्जेस्ट एनिमल अर्थ पे कौन है, ब्लू व्हेल। उसका वेट कितना होता है, अराउंड 2 lakh kg, ठीक है, या 200,000 kg भी बोल सकते हैं, और उसकी लेंथ होती है 31 meters के अराउंड, ठीक है। तो इसमें 3 questions कंप्लीट हो जाते हैं। दिस व्हेल इज ब्लू ग्रे इन कलर विद लाइटर ग्रे स्पॉट, ये ब्लू और ग्रे कलर की होती है और इसकी जो स्किन है उस पर ग्रे कलर के जो लाइट लाइट से स्पॉट्स होते हैं, मीन्स पॉइंट होते हैं। इट इज सो ह्यूज दैट इट हार्ट इज द साइज ऑफ ए बिग कार, और इसके हार्ट का साइज कितना होता है कि एक बड़ी कार का जो साइज होता है उसके जितना। द फीमेल ब्लू व्हेल्स आर मच लार्जर देन द मेल्स, फीमेल ज्यादा बड़ी होती है मेल से। इन द स्पाइट ह्यूज लार्ज साइज दीज एनिमल्स आर एक्चुअली फीड जस्टिनी क्रिल, दे ऑल्सो यूज सो दे आर ऑल्सो यूज वन ऑफ द लाउडेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ब्लू व्हेल्स आर द फाउंड ऑल ओशंस बट मोर इन साउथर्न हेमिस्फीयर देन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मोस्टली ये साउथ में ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एंडेंजर्ड एनिमल्स में आती है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट वन इज स्नो लियोपार्ड आर फाउंड इन माउंटेन ऑफ सेंट्रल एशिया इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे आर वेल अडेप्टेड टू लिविंग इन द कोल्ड एनवायरमेंट, दे लाइक टू अटैक दे प्रे फ्रॉम द अबो एंड किल एनिमल्स 3 times लार्जर देन देयर साइज, वो इतने एनिमल्स को भी मार सकते हैं जो उनसे 3 times बड़ा हो साइज में। दिस लियोपार्ड हावर कैन नॉट रोइड, और ये धारते भी नहीं है,
ठीक है, तो स्टूडेंट ये लियोपार्ड है, ये इट इज द रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ कैट, कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज द ब्लैक राइनोसोरस इज फाउंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका, इट इज फेबियस एनिमल्स एंड कैन चार्ज एट द स्पीड अप टू 30 माइल्स पर आवर्स। ऑल्दो डिस्क्राइब्ड एज ब्लैक, दिस राइनोसोरस इज एक्चुअली ग्रेस ब्राउन इन कलर्स, इट हैज टू हॉर्न्स व्हिच मेक्स इट्स हाईली हंटेड एनिमल्स ऑफ अमंग पोचर्स। स्टूडेंट जो इसके हॉर्न्स होते हैं वो हंटिंग में इसकी हेल्प करते हैं, मीन्स शिकार करने में, और ये ग्रेस ब्राउन कलर्स के होते हैं, इनको ब्लैक राइनोसोरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका में। दैट इज द पिक्चर ऑफ द राइनोसोर। ओके, नेक्स्ट वन इज द गोरिलाज। गोरिलाज किसकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वानर, जो बंदर की प्रजाति है उससे बिलोंग करते हैं। ये कहाँ में मिलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एप्स। एप्स का मतलब लंगूर होता है, या वानर बोल सकते हैं इसको। समटाइम्स दे आर पोर्ट्रेड एज फ्रीकिश एनिमल्स इन स्टोरीज, बट रियलिटी दे आर पीसफुल एंड सोशलेबल हर्बीवर्स। मीन्स ये सोशलेबल हर्बीवर्स, जो पीसफुल बहुत शांत जो कहते हैं वैसे प्राणियों में आते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे रेस्टिंग एंड लुकिंग फॉर फूड इन ग्रुप्स। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें स्पेंड करते हैं, लुकिंग फॉर मतलब भोजन की तलाश में और रेस्ट करने में, ठीक है। स्टूडेंट दिस चैप्टर इज ऑल्सो इन सेवेंथ क्लास, सो यू हैव टू लर्न ऑल्सो। यही चैप्टर सेम सेवेंथ क्लास में भी है, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट वन इज द जायंट पांडा। जायंट पांडा इज बियर लाइक मैमल्स फाउंड इन बम्बूज फॉरेस्ट एंड द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल चाइना एंड तिब्बत। इट्स ब्लैक एंड व्हाइट कोट अलोन द बल्की बॉडी एंड राउंड फेस मेक इट्स लुक लवेबल। मीन्स जो ये जायंट पांडा है, ये लुक लाइक मीन्स बहुत अच्छा होता है, लवेबल होता है, इसका जो लुक होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये बम्बू जो फॉरेस्ट है उसमें ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज द जायंट आर्मेंडिलो। आर्मेंडिलो इज द लार्जेस्ट लिविंग आर्मेंडिलो। इट वंस फाउंड इन लार्ज नंबर थ्रू आउट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ। देखो दैट इज द पिक्चर ऑफ आर्मेंडिलो। ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, साउथ अफ्रीका, बट नाउ इट इज ओनली फाउंड इन नाउ ओनली कैन बी फाउंड इन अर्जेंटाइना। इट प्रेफर ट्राइम्स एंड समटाइम्स आंट्स एज प्रे एंड ओफन फीड्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इट रिमाइट माउंड एंड समटाइम इट ऑल्सो प्रे अपॉन स्मॉल मैमल्स सच एज माइस एंड रैट्स। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि राइट सम एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड डिफाइन एंडेंजर्ड एनिमल्स, तो क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये आपको लर्न करने हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास सिक्स। स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो वी कंप्लीटेड विद द चैप्टर, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैसेज राइटिंग। एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू राइट द मैसेज एंड फॉर्मेट ऑफ मैसेज। मैसेज राइटिंग में फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेक अ बॉक्स। फॉर्मेट इज ऑल्सो कंटेनिंग टोटल 5 मार्क्स का मैसेज होता है, उसके अंदर कुछ परसेंट 1.5 मार्क्स के आपका फॉर्मेट कंटेन करता है। अगर आपका फॉर्मेट गलत हुआ तो आपको मैसेज ठीक, आपका मैसेज में से 1.5 मार्क्स तो वैसे ही कट जाएंगे क्योंकि फॉर्मेट से रिलेटेड 1.5 मार्क्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन द डेट व्हेन यू आर राइटिंग दिस मैसेज। जिस दिन आप मैसेज लिखेंगे उस दिन की डेट लिखेंगे, देन टाइम कि किस टाइम पे लिख रहे हैं आप, मॉर्निंग में इवनिंग में, देन राइटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, इट मीन्स सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन लिखेंगे कि आप किसको लिख रहे हैं, डियर फादर मदर डैड फ्रेंड, किसको ये मैसेज लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ द मैसेज,
बॉडी ऑफ द मैसेज कि आप उनको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं मैसेज के द्वारा. देन नेम एट द एंड कि आपको कौन ये मैसेज लिख रहा है. दिस नेम ऑफ द राइटर ऑफ द मैसेज, यहाँ पे राइटर का नेम आ जाएगा. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. हाउ यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग मैसेजेस. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ आई विल टेल यू द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग मैसेजेस. फॉर राइटिंग मैसेज फर्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी शॉर्ट एंड इंक्लूड ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. यानी कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही लिखनी है, सिर्फ उससे ज़्यादा. इतना ये नहीं हाय हेलो आप कैसे हो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, लेटर की तरह नहीं लिखना. आपको इसमें शॉर्ट लिखना है, जो टू द पॉइंट डायरेक्टली लिखना है. टू द पॉइंट पॉइंट्स आएंगे इसमें. कोई ये हाय हेलो करके और आप बहुत लंबा इसको नहीं खींच सकते. ओनली 50 वर्ड्स, नॉट एक्सीडिंग दिस, लिमिटेड टू ओनली 50 वर्ड्स. नेक्स्ट इज डज नॉट नीड हैव एनी कंप्लीट सेंटेंसेस. It does not need to complete sentences. क्या आपको वो sentence किसी ना किसी हाल में complete करना ही करना है. For example, no new information to be added. कोई नई information उस message के अंदर नहीं डालेंगे. It should be placed inside the box. कि आपको उसको जो भी मैटर लिखेंगे वो बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, देयर आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग मैसेजेस. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल विच इज इन योर बुक ओनली ऑन पेज नंबर 181, चैप्टर नंबर 32. Now this example is in your book on page number 198 and question is, later Vivan had to go out, therefore he left the following message for his father. अब उसने एक क्या किया है, एक विवान ने here is the message. You are right. Read this telephonic conversation between Vivan and Karthik. The call was for Vivan's father. Vivan और कार्तिक के बीच में कुछ फ़ोन कॉल हुआ है और मैसेज किसके लिए है, Vivan's father के लिए. Now read this conversation. Kartik, hello, may I speak to Suraj? Suraj is the father name of Vivan. This is Kartik. Vivan, hello uncle, how are you? Dad is not home yet. Kartik, I am fine, thank you. How are you? Vivan, I am good too, thank you for asking. Kartik, could you please take a message for him? Vivan, sure. Kartik, please inform him that I would not want be able to come to play tennis today as I am not feeling well. Vivan, all right uncle, is there anything else that you want to be me to tell him? No. That would be all. Bye, Vivan. Bye, uncle. Now, अब विवान को अपने फादर को ये मैसेज देना है कि कार्तिक यानी कि कार्तिक अंकल का कॉल आया था और उन्होंने ये मैसेज किया है
कि वो आज टेनिस खेलने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि वो वेल नहीं है, यानी कि उनको वो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है. सो ही इज़ राइटिंग एन मैसेज. नाउ लेट स्टार्ट. लेटर विवान हैड नॉट गो आउट, देयरफॉर ही लेफ्ट द फॉलोइंग मैसेज फॉर हिज फादर. अब विमान बाहर जा रहा है तो एक मैसेज लेकर अपने फादर के लिए. हाउ इज राइटिंग ही इज राइटिंग अ मैसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट टाइम डैड. कार्तिक अंकल योर कलीग कॉल्ड अबाउट अराउंड 5 PM. ही आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू कम टू प्ले टेनिस टुडे एज ही इज अनवेल. आई एम लीविंग फॉर माई म्यूजिक क्लास. आई विल बी बैक बिफोर डिनर. Vivan, this is the message written by the Vivan, and nothing is writing more about it. Only the message which is given by his uncle Karthik is written in this paragraph. So you also write it this message like this only for anyone. No need to write more and more about a. So do this message in your fair notebook. This is your homework. And first of all, make a format of message writing, which is I told you. Thank you, everyone. I hope you understand the message writing, how we are going to write it, the message.